गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पार्टनरशिप की क्लास में। और ये पार्टनरशिप की एक ही क्लास होगी, लेकिन ये 3 घंटे की क्लास, 3 घंटे के करीब की क्लास होगी, और इसमें हम पार्टनरशिप चैप्टर पूरा कर देंगे। ठीक है, तो एक ही क्लास में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देने वाले हैं, तो जुड़ जाइए जल्दी से सभी। कैसे हैं आप सभी मुझे बताइएगा। गुड मॉर्निंग राजीव कुमार, कैसे हो भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ध्रुव। और देखिए, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था कि जो आने वाला मंडे है, यानी परसों, परसों से आपकी जो क्लास होंगी वो सुबह 9 बजे से होंगी। परसों से जो आपकी क्लास होंगी वो सुबह 9 बजे से होगी, और एडवांस मैथ की जो क्लास होगी वो शाम को 4 बजे से होगी। ठीक है, अर्थमेटिक की सुबह 9 बजे से होगी और एडवांस मैथ की शाम को 4 बजे से होगी। ठीक है, तो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे जुड़ जाया करिएगा और इवनिंग में शाम को 4 बजे आप कनेक्ट हो जाया करिएगा। गुड मॉर्निंग भाई भीम सिद्धू, कैसे हैं? चलिए, अब अगर हम पहले बेसिक की बात करें, पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे काम करता है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूं आपसे कि 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तो ए जितना पैसा लगाता है और जितने समय के लिए लगाता है, बी जितना पैसा लगाता है और जितने समय के लिए लगाता है, और सी जितना पैसा लगाता है और जितने समय के लिए लगाता है, इसका आपको अनुपात बना लेना होता है। बस इसका आपको रेशियो बना लेना होता है। रेशियो बनाने के बाद अगर इनका रेशियो एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड में आने लग रहा है, तो जो आपका प्रॉफिट होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बटेगा, एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड में बटेगा। बस इतनी सी बात होती है। जो आपका प्रॉफिट होता है वो इस रेशियो में, यानी एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जेड में बटेगा। बस इतनी सी बात होती है। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम एंड कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है, नहीं भाई ध्रुव, मेरी तरफ से तो बिल्कुल सेम वीडियो क्वालिटी जा रहा है जो डेली जाता है। आप एक बार अपने जो आप पिक्सल उसमें सेलेक्ट करते हैं वो एक बार करके देख लीजिए, वो सही कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं आपने, वो एक बार सेलेक्ट करके देख लीजिए। इतनी सी बात होती है। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम एंड कैपिटल इंटू टाइम। पैसा गुणा में समय, पैसा गुणा में समय और पैसा गुणा में समय। इस रेशियो में आपका सब कुछ जो है वो डिवाइड होना होता है, बटना होता है। बस उसके अलावा, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ ए और बी
दो व्यक्ति हैं और ए अपना इतना कैपिटल लगाता है इतने समय के लिए, बी अपना इतना कैपिटल लगाता है इतने समय के लिए, तो इनके ये जो होगा ये ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। ये जो होगा ये ए के प्रॉफिट और बी के प्रॉफिट के रेशियो के आपका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट अ पार्टनरशिप विद ₹1500 एंड ₹2000। आफ्टर 4 मंथ सी ऑल्सो ज्वाइंस द बिजनेस विद ₹2250, 2250। इफ बी विदड्रॉज हिज कैपिटल आफ्टर 9 मंथ देन फाइंड द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी इन द टोटल ऑफ 900। तो देखिए, ए बी और बाद में सी भी आ जाता है। ए ने कितने रुपए लगाए, 1500 रुपये। कितने समय के लिए, पूरे टाइम के लिए लगाता है ये, तो क्योंकि छोड़ के जा ही नहीं रहा, तो 12 महीने के लिए। देखिए, जनरली ये जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस होते हैं ये 1 साल की ड्यूरेशन के लिए होते हैं, जनरली ये 1 साल की ड्यूरेशन के लिए होते हैं, तो 1 ईयर इसके अंदर चीज़ें चलती हैं, 1 ईयर। ठीक है, 1500 गुणा में 1200 ये होगा आपका, 2000 गुणा में आपका ये 9 महीने तक ही पैसा लगाता है, 9, और ये जो सी है अपने भाई साहब ये आते हैं 2250 रुपये के साथ, कितने महीने बाद, 4 महीने बाद। तो कितने महीने के लिए रहेगा, 8 महीने के लिए रहेगा। ठीक है जी, अब देखिए, 1 0 से ये 0 आपका कट गया, 25 से इसको काटेंगे, 6 पे चला गया, ये 8 पे चला गया और ये 9 पे चला गया। ये हो गया आपका 12 6 72, 8 निम्न 72 और 9 8 72। इसका अनुपात आ गया 1:1:1, 1:1:1। तो इसको आपको उसी अनुपात में बांट देना है प्रॉफिट को, 1:1:1। तो टोटल हो गया आपका 3, 3 की वैल्यू है 900 रुपये के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपये के बराबर। तो बस इस एक की वैल्यू भी 300 हो गई आपकी, इसकी वैल्यू भी 300 हो गई और इसकी वैल्यू भी 300 हो गई आपकी, 300 300 एंड 300 बनाइए, इक्वल इक्वल। कोई डाउट हो तो पूछिएगा।
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस विद रुपीज 50 एंड रुपीज 45. आफ्टर 4 मंथ ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्रॉ हाफ कैपिटल आफ्टर 6 मंथ एंड सी जॉइन्स द बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 70 आफ्टर 6 मंथ. फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये करिए. गुड मॉर्निंग भाई देवी साई. देखिए ए बी और सी, चलो एक बार आप करो, आंसर बताने की कोशिश करो.
देखिए ध्रुव, आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ए ने कितने रुपए लगाए हैं? 50 रुपए। बी ने कितने रुपए लगाए हैं? 45 रुपए। और 4 महीने बाद और 6 महीने बाद ये चेंजेस भी करते हैं, और सी जो है वो 6 महीने बाद 70 रुपये के साथ आता है। तो सी तो 70 रुपये के साथ आ रहा है 6 महीने के बाद, कोई चेंजेस नहीं कर रहा। अब बात करते हैं ए के, 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो यही पैसा रहेगा ना, अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं, तो इसका रह जाएगा 25 रुपये बाकी के 8 महीने के लिए, और ये 6 महीने बाद 22.5 बाकी के 6 महीने के लिए। तो ये तो हो जाएगा आपका 200, और ये भी हो जाएगा आपका 200, 200 और 200 400, ये हो जाएगा आपका 270, और ये हो जाएगा आपका 135, 270 और 135, ये हो जाएगा आपका 405, और ये हो जाएगा 420। इसका रेशियो बनाएंगे, 5 से ही काटेंगे, तो ये आ जाएगा 80:81:84, 80:81:84, ये आंसर आ जाएगा आपका। इस अनुपात में पैसा बटेगा, ठीक है। तो कौन कितने समय के लिए कितना पैसा लगाता है, पहले उसकी वैल्यू को ऐड करके जोड़ के उसके बाद आपको आगे रेशियो बनाना होता है।
देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका, ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट 33/3% ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्ट 25% ऑफ द रिमेनिंग एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर इज रुपीज 1,62,000, देन एज शेयर इन द प्रॉफिट इज। यदि ए बी और सी सी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ए पूंजी का 33/3% निवेश करता है, बी शेष पूंजी का 25% निवेश करता है और सी शेष निवेश करता है, और यदि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,62,000 रुपये है तो लाभ में ए का हिस्सा क्या होगा? यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, तो यहाँ पर टाइम की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपको सिर्फ कैपिटल के हिसाब से पैसा डिवाइड करना होगा। जहाँ पर टाइम दे रखा होता है वहाँ पर कैपिटल को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है, बट जहाँ पर टाइम उसने दे ही नहीं रखा, इस बात का मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर कम या ज़्यादा समय के लिए पैसा नहीं लगा रहा, वो इक्वल इक्वल टाइम के लिए पैसा लगाने लग रहे हैं और वो टाइम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बस बात इतनी सी होती है। चलिए करिए, लगाइए दिमाग इसमें, ये चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं किस तरीके से होती हैं, लगाइए। एक आंसर तो मेरे सामने आ भी चुका है,
देखिए ये होता है 1/3, ये होता है 1/4, तो 3 और 4 का मल्टीपल क्या होगा, 12। 12 तो ए जो है वो पूरे का 1/3 लगाता है, यानी ये 4 रुपए लगाता होगा, 12 में से 4 रुपए ए ने लगा दिए, बचे कितने 8। बी जो है वो 8 का 1/4 लगाता है, यानी 2 रुपए लगाता होगा, बचे हुए का लगाता है वो 2 रुपए ऑफ द रिमेनिंग 1/4, ठीक है 2 रुपए लगाता होगा। अब देखिए आपने टोटल कितना माना था 12, तो 4 और 2 6, तो बाकी कितना बचेगा 6, तो इसका रेशियो बना लेंगे 4 2 6 में बटेगा, टोटल हो गया जी आपका 12। 12 की वैल्यू है 162,000, 162,000, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13,500, 13,500, तो ए का हिस्सा आ जाएगा 4 यूनिट, 4 की वैल्यू हो जाएगी 13,500 के हिसाब से 54,000, 54,000, 54,000 बनाइए, ये आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है
ए इन्वेस्ट 1/6 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/6 टाइम, बी इन्वेस्ट 1/3 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 1/3 टाइम एंड सी इन्वेस्ट द रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर द फुल टाइम. इफ द प्रॉफिट इज ₹23,000, फाइंड द शेयर ऑफ बी. बी का शेयर बताना था आपको इसके अंदर. करिए,
ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है, बी 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, और बाकी पूंजी सी पूरे समय के लिए लगाता है। तो 1/6 और 1/3 का मल्टीपल होगा 6। तो ए जो है वो 6 का 1/6 लगाता है, यानी ए जो है वो 1 रुपए की पूंजी लगाता होगा। बी जो है वो 6 का 1/3 लगाता है, यानी 2 रुपए लगाता होगा, और सी बाकी का पैसा लगाता है 1 और 2 3, वो 6 में से 3 रुपए लगाता है, तो सी 3 रुपए लगाता होगा। अच्छा, कुल मिला के 12 महीने का समय है, तो वो 1/6 समय के लिए पैसा लगा रहा है, यानी 2 महीने के लिए पैसा लगा रहा होगा। ए जो है गुणा में 2 कर देंगे। बी की बात करें तो कुल 12 महीने के 1/3 समय के लिए, यानी 4 महीने के लिए पैसा लगा रहा होगा, तो यहाँ पे गुणा में 4 कर देंगे, और ये पूरे समय के लिए मतलब 12 महीने के लिए पैसा लगाता है। रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 6, ये आ जाएगा 1:4:18। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 1 और 4 5 और 18 23। 23 की वैल्यू है 23,000 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1,000। आपको बी का हिस्सा बताना था, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 4 यूनिट की वैल्यू 1,000 के हिसाब से 4,000, 4,000 आंसर है, 4,000 रुपये। बनाइए।
चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए करिए इस क्वेश्चन को, धीरज पूछ रहे हैं सर क्लास कितने बजे शुरू होती है और सीजीएल कवर हो जाएगा क्या? बिल्कुल धीरज भाई, एसएससी सीजीएल मेंस तक का सिलेबस बहुत आराम से आपका इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। और क्लास मेरे भाई अभी तो सुबह 10 बजे शुरू होती है और शाम को 5 बजे शुरू होती है, लेकिन परसों से यानी मंडे से क्लास जो हुआ करेगी वो आपकी सुबह 9 बजे से और शाम को 4 बजे से शुरू हुआ करेगी आपके, ठीक है? तो मतलब ये टाइमिंग्स हैं आपके। देखिए इसमें कह रहा है ए बी सी की पूंजी का निवेश 2:3:5 में है और ए बी सी के निवेश के महीनों का अनुपात 4:2:3 में है। यदि सी को प्राप्त लाभ का हिस्सा ए से 147,000 रुपये ज़्यादा है तो बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए यहाँ पे हमेशा ये याद रखिएगा जो कैपिटल इंटू टाइम होगा वो हमेशा प्रॉफिट के इक्विवेलेंट होगा। कैपिटल इंटू टाइम हमेशा प्रॉफिट के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर आपकी कैपिटल है, टाइम है,
तो देखिए ए बी सी कैपिटल है 2, 3 और 5, टाइम है आपका 4, 2, 3, 4, 2 और 3, तो ये हो जाएगा 4 × 8, 3 × 6 और 5 × 3 = 15। तो इसका मतलब इनका जो कैपिटल होगा, सॉरी प्रॉफिट होगा, वो इस रेशो में जाएगा, 8, 6 और 15 के रेशो में जाएगा, 8, 6 और 15 के रेशो में जाएगा आपका, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बात ये आती है, इसने क्या कहा कि सी को प्राप्त लाभ ए से 147,000 रुपये ज़्यादा है। यहाँ देखिए सी को मिल रहा है 15 रुपये, ए को मिल रहा है 8 रुपये। यहाँ पे पॉइंट लग गया है गलती से, तो यानी कितना ज़्यादा है, 7 यूनिट ज़्यादा है। 7 की वैल्यू है 147,000, 147,000, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 21,000। एक यूनिट की वैल्यू अगर 21,000 है तो बी का लाभ क्या होगा, 6 यूनिट की वैल्यू 21,000 के हिसाब से क्या होगी, 0,0,0, 6 × 6 और 6 × 12, 1,26,000। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 1,26,000, 1,26,000। बनाइए, ये आंसर है आपका।
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द कैपिटल इनटू 5:6:8। एट द टाइम एट द एंड ऑफ द बिजनेस दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:12। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम फॉर विच दे कंट्रीब्यूट देयर कैपिटल। ए बी सी 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाकर कोई व्यवसाय शुरू करता है, अंत में उसको 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। समय का अनुपात ज्ञात करें। मैंने आपको बता दिया कैपिटल इनटू टाइम जो होता है ये प्रॉफिट होता है, कैपिटल इनटू टाइम जो होता है ये प्रॉफिट होता है। बाकी अब आगे आप करिए।
देखिए तो यहां पर कैपिटल दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है, टाइम नहीं है। टाइम कैसे निकलेगा? टाइम विल बी प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, ऐसे निकलेगा टाइम। तो देखिए प्रॉफिट पहले लिख लो, 5 3 12 और इसके नीचे कैपिटल 5 6 और 8, इसका रेशियो बना लीजिए। ये आ जाएगा 1:1/2:3/2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 2:1:3, 2:1:3, 2:1:3 बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस, ए इन्वेस्ट मनी फॉर 4 मंथ एंड क्लेम 1/8 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, बी इन्वेस्ट मनी फॉर 6 मंथ एंड क्लेम 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, वाइल सी इन्वेस्ट ₹1560 फॉर 8 मंथ एंड क्लेम रिमेनिंग प्रॉफिट। हाउ मच मनी ए एंड बी इन्वेस्ट? ए ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया और 1/8 लाभ पर दावा करता है। बी ने 6 महीने के लिए पैसा लगाया और वो लाभ के 1/3 हिस्से पर दावा करता है, जबकि सी ने ₹1560 8 महीने के लिए लगाए। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई होगी?
देखिए ऐसा है कि ए ने 1/8 लाभ के हिस्से पर दावा किया है और बी ने 1/3 लाभ के हिस्से पर दावा किया है। 8 और 3 का मल्टीपल होगा 24, तो 24 का 1/8 करेंगे 3 और 24 का 1/3 करेंगे 8 और बाकी बचेगा 13। तो आप इसको 24x मान लीजिए टोटल प्रॉफिट को, तो ये 3x हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर टोटल प्रॉफिट जो है वो अगर 24x है तो उसमें से a का हिस्सा है 3x, बी का हिस्सा है 8x और सी का हिस्सा है 13x। अब हमने एक चीज जान ली कि कैपिटल इंटू टाइम ये प्रॉफिट के बराबर होता है। अब यहाँ पर सी ने 1560 रुपये 8 महीने के लिए लगाए हैं, तो सी की अगर हम बात करें तो 1560 × 8 बराबर होगा आपका 13x, 13x। 13 से ये 1, 2, 0, 12, 8, 96, x की वैल्यू आ गई 960। अगर x की वैल्यू 960 है तो a का प्रॉफिट हो जाएगा 3 × 960 और b का प्रॉफिट हो जाएगा 8 × 960। अब a ने 4 महीने के लिए पैसा लगाया था, a बराबर कैपिटल मतलब इसका पैसा, ए का पैसा गुणा में इसने 4 महीने के लिए पैसा लगाया, कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है 3 × 960, 4 से 1 कट जाएगा, 2, 4, 0, ये आ जाएगा 720 रुपये। और बी की बात करें अगर तो ये आ जाएगा कैपिटल इंटू टाइम, कितने महीने के लिए पैसा लगाया है, 6 महीने के लिए, 6 मंथ, बराबर हो जाएगा 8 × 960, 8 × 960, तो 6 से ये आ जाएगा आपका 160 पे और ये आ जाएगा 1280 रुपये, ये 1280 और ये 720। ए का कैपिटल होगा 720 और बी का होगा 1280। बनाइए आंसर है।
धीरज पूछ रहे हैं 1560 को 8 से गुणा क्यों किया गया। धीरज मेरे भाई, सी ने 1560 रुपये लगाए हैं 8 महीने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ना, कैपिटल इनटू टाइम होता है, कैपिटल इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट, कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट, समझ रहे हैं बात को। इसलिए कैपिटल इनटू टाइम किया गया है, संपत्ति गुणा में समय, कैपिटल इनटू टाइम। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ रुपीज 54,000 एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 and 6 months रेस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:4:5। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल्स इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी। ए ने 54,000 रुपये की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बी और सी को क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद शामिल किया गया। वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में विभाजित किया गया था। बी और सी द्वारा निवेशित पूंजी के बीच का अंतर क्या है? करिए
देखिए ऐसा है, इसमें ये क्या कह रहा है कि ए ने तो 54,000 रुपये की पूंजी लगा के शुरू किया और उसने पूरा टाइम लगाया, क्योंकि उसके शुरू करने का जिक्र है, ख़त्म करने का जिक्र नहीं है, यानी उसने पूरे 12 महीने पैसा लगाया होगा। प्रॉफिट का रेशियो देखो क्या है यहाँ पे, 1:4:5, इसको मान लो एक्स, 4x, 5x, ठीक है? तो ए का प्रॉफिट है एक्स। अब प्रॉफिट आप जान ही रहे हैं क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा आपका 54,000 गुणा में 12, ठीक है? तो बी का प्रॉफिट वहाँ से कितना आ जाएगा, 4x, मतलब 4 गुणा में 54,000 गुणा में 12 बराबर। अब बी की बात करें तो बी जो है वो 4 महीने बाद आया था पैसा लगाने, यानी 8 महीने उसने पैसा लगाया होगा बी ने, 8 महीने, ठीक है जी? तो बी का जो कैपिटल होगा वो 4 से इसको 2 पे काट देंगे, 2 से ये 6 पे कट जाएगा, तो बी का कैपिटल आ जाएगा 54,000 गुणा में 6। अब बात करें सी की, वो 6 महीने बाद आया था तो 6 महीने रहा होगा, ठीक है? प्रॉफिट है उसका 5x, तो पहले तो 5 गुणा में 54,000 गुणा में 12 बराबर 6 गुणा में सी, 6 से 12 कट गया, 2 पे 5 दूनी 10, तो सी का कैपिटल आ गया 10 गुणा में 54,000। अब ए बी का कैपिटल है 6 गुणा में 54,000 और सी का कैपिटल है 10 गुणा में 54,000, तो इनके अंदर डिफरेंस है 4 गुणा में 54,000, तो ये आ जाएगा आपका 0,0,0, 4 चौक 16 का 6, 1 4 5 20 और 1 21, तो 2,16,000 डिफरेंस आ जाएगा, 2,16,000, 2,16,000 बनाइए, ये आंसर है आपका 2,16,000।
अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए और बी ने 50,000 और 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, यदि ए काम भी करता है और लाभ का 20% हिस्सा अपनी सैलरी के रूप में लेता है, बचे हुए लाभ को दोनों अपनी पूंजी के अनुसार बांट लेते हैं, इस प्रकार ए को बी से 38,000 रुपए ज़्यादा मिलते हैं, तो कुल लाभ आपको बताना था। तो भाई मतलब क्वेश्चन ये है कि ए और बी जो हैं वो 50,000 और 20,000 रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू करते हैं। ए जो है वो उसमें सिर्फ बिजनेस में पैसा नहीं लगाता, वो उसमें काम भी करता है, तो काम करेगा तो सैलरी लेगा, नॉर्मल सी बात है। तो वो लाभ का 20% हिस्सा अपनी सैलरी के रूप में ले लेता है और बचे हुए लाभ को दोनों कैपिटल के हिसाब से बांट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी प्रकार के। तो इस प्रकार से ए को बी से 38,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो कुल लाभ आपको बताना था कितना होगा। देखिए ए और बी अगर कैपिटल की बात करें 50,000 और 20,000, तो इसका अनुपात होगा 5:2, 20%। 20% का मतलब होगा 1/5, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 5 है तो जो ए को सैलरी के रूप में मिल जाता है वो है 1 और जो रिमेनिंग है वो है 4 रुपए। जो रिमेनिंग है वो है 4 रुपए और ये 4 रुपए 5:2 में बांटे जाते हैं। अब देखो कैसे बांटे जाते हैं, 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 4 के बराबर, 1 की वैल्यू होती 4/7। इसका मतलब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 4, उसको कितने से डिवाइड करना है, 7 से, लेकिन ये 7 का मल्टीपल नहीं है मतलब, तो यहाँ पे ये कटेगा नहीं ना। तो अगर आपको इसको इफिशियंटली सॉल्व करना है, मतलब जिसमें कि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, ऐसे करके सॉल्व करना है अगर, तो आप क्या करिए, देखिए आप यहाँ पर 4 मत मानिए, आप यहाँ पर 7 का मल्टीपल कर लीजिए, इसको इसको 7 से गुणा कर लो, इसको भी 7 से गुणा कर लो और इसको भी 7 से गुणा कर लो, 7×5 35, 7 और 7×4 28, 7 यूनिट की वैल्यू 28 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू 4 के हिसाब से हो जाएगी 20 और 2 यूनिट की वैल्यू 4 के हिसाब से हो जाएगी 8। ए को कैपिटल के हिसाब से संपत्ति के अनुसार मिलते हैं 20 रुपए और बी को मिलते हैं 8 रुपए। इसके अलावा ए को सैलरी के रूप में भी मिलते हैं कितने रुपए, 7 रुपए। ए को सैलरी के रूप में मिलते हैं 7 रुपए, तो 20+7 ये कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, ए को मिलते हैं 27 रुपए और बी को मिलते हैं 8 रुपए, कुल मिला के ए को मिलते हैं 27 रुपए और बी को मिलते हैं 8 रुपए। 27 और 8 का डिफरेंस होगा आपका 19, यानी ए को बी से 19 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अब इस 19 की वैल्यू है आपकी 38,000, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2,000 है तो 35 यूनिट की वैल्यू होगी 2,000 के हिसाब से 70,000, 70,000 रुपये, टोटल प्रॉफिट होगा 70,000, 70,000 रुपये। मैं ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आपको और दूंगा करने के लिए, आप बस इस क्वेश्चन के लिए मुझे कमेंट करके बताइए समझ में आ गया या नहीं आ गया, कमेंट करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है ए बी सी आर थ्री पार्टनर्स विद द कैपिटल 8 लाख 12 लाख एंड 15 लाख। ए इज वर्किंग पार्टनर एंड टेक्स 12 1/2% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज सैलरी एंड रिमेनिंग प्रॉफिट इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल। इफ ए रिसीव्स रुपीज 5200 टोटल प्रॉफिट, फाइंड द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस यहां पर तीन पार्टनर कर दिए गए हैं। बनाइए, इसको समझिए और बनाइए।
देखिए समझिएगा बात को, इसमें आपसे कह रहा है आप ये देखिए इनकी कैपिटल का रेशियो क्या है, आठ अनुपात बारह अनुपात पंद्रह, एक काम भी करता है 12.5%। 12.5% का मतलब होगा 1/8, मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 8 रुपये है तो उसमें ए को मिलता है 1 रुपये, रिमेनिंग होता है 7 रुपये। तो इसका टोटल देखिए कितना आ रहा है, 8 और 12 20 और 15 35, 35 की वैल्यू 7, 7 को आप 35 का मल्टीपल बना लीजिए, 5 से गुणा कर लीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 35 की वैल्यू अब 35 के ही बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1 के ही बराबर हो जाएगी, तो यही आ जाएगा 8 12 15। ए को 5 रुपये सैलरी के रूप में भी मिलते हैं, प्लस करेंगे 13, 13 की वैल्यू है 5200, 1 की वैल्यू आ जाएगी 400, 8 5 40, 40 यूनिट की वैल्यू 400 के हिसाब से हो जाएगी आपकी 16,000 रुपये, 16,000 रुपीज़। बनाइए टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 16,000 रुपये, 16,000 रुपीज़।
चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, टू टाइम्स ऑफ एज कैपिटल इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ बीज कैपिटल विच इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ सीज कैपिटल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग, उनके लाभ का आपको प्रॉफिट शेयरिंग बताना था। अभी अभी डाल देता हूँ विशाखा पीडीएफ्स, एक सेकंड होल्ड करिए बस। पार्टनरशिप एंड ट्रिग्नोमेट्री के पीडीएफ्स डल चुके हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा।
देखिए यहाँ पर इसमें कह रहा है ए की संपत्ति का 2 गुणा, बी की संपत्ति का 3 गुणा और सी की संपत्ति का 4 गुणा बराबर है। तो आप क्या करिए, इसका 2, 3, 4 इसका मल्टीपल ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 12। 12 को 2 से डिवाइड करिए 6, 12 को 3 से डिवाइड करिए 4 और 12 को 4 से डिवाइड करिए 3। तो यह आ जाएगा आपका ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 6:4:3, 6:4:3। इस रेशो में कैपिटल लगाया गया होगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, इसमें कह रहा है ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल्स टू 4 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। इफ सीज शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज ₹4,6,4,8,6,3 देन द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज। देखिए ए की संपत्ति का 3 गुणा, बी की संपत्ति का 2 गुणा और सी की संपत्ति का 4 गुणा बराबर है 3, 2, 4। इसका एलसीएम ले लेंगे आप 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3। तो इनके कैपिटल का रेशियो होगा 4:6:3। अब सी का प्रॉफिट है ₹4,863, 3 यूनिट की वैल्यू है 4,863, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1,6,2,1, 1,621। तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 1,621 के हिसाब से ₹6,484। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ₹6,484। बढ़ाइए आंसर है।
अगला क्वेश्चन करिए, इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक साथ बिजनेस शुरू करते हैं, 3 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, ए की संपत्ति का 3 गुना इज इक्वल्स टू 4 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, एंड द कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। यहाँ पे अलग अलग दे रखा है, और जो बी की कैपिटल है वो सी की कैपिटल के डबल के बराबर है। तो यहाँ से ए बटे में बी बराबर आ जाएगा 4/3, और यहाँ से बी बटे सी बराबर आ जाएगा 2/1। तो यहाँ बी को सेम कर लो, यहाँ पे 2 से गुणा 8/6, यहाँ 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से गुणा 6/3। तो ए बी और सी ये आ जाएगा आपका 8, 6 और 3। यही पूछा गया था आपसे, 8, 6, 3 ये आंसर आ जाएगा, 8, 6 और 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। बनाइए। जल्दी से बनाइए, फिर क्लास खत्म होने की ओर ही है, 4-5 questions और बचे हैं बस। अगला क्वेश्चन करिए। हाँ भाई, ये चैप्टर एक ही क्लास का होता है, ये चैप्टर एक ही क्लास का होता है, इसको हम आज ही ख़त्म कर देंगे, आज इसको हम आज ही ख़त्म कर देंगे। होता ही ये एक क्लास का चैप्टर है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं ही ख़त्म कर दे रहा हूँ, होता ही ये एक क्लास का चैप्टर है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, ए इन्वेस्ट 5/9 पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल फॉर 6 मंथ, एंड बी एंटर
एंटर द इन टू द बिजनेस विद द रेस्ट ऑफ द कैपिटल आफ्टर सम टाइम आफ्टर वन ईयर बी फोर बाय सेवन गॉट ऑफ द टोटल प्रॉफिट फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम ऑफ ए डिड बी ज्वाइन द बिजनेस ए पूरी राशि का 5/9 हिस्सा 6 महीने के लिए लगाता है और बी शेष राशि को उसके कुछ महीने बाद लगाता है एक वर्ष के बाद बी कुल राशि का 4/7 हिस्सा मुनाफे के तौर पर कमाता है तो ज्ञात करें बी ए के कितने समय बाद व्यापार में आया होगा करिए देखें ए पूरी राशि का 5/9 हिस्सा लगाता है इसका मतलब अगर पूरी राशि 9 है तो उसमें से ए 5 रुपये लगाता है तो बी कितने लगाएगा 4 रुपये ये ए के हो गए ये बी के हो गए ठीक है और टोटल प्रॉफिट का 4/7 हिस्सा मुनाफे के तौर पे कमाता है 7 में से 4 रुपये यहाँ पे कमाता है और 3 रुपये यहाँ पे कमाता है ठीक है अब देखिए ए बाय
बी इज इक्वल्स टू ए लगाता है 5 रुपये, कितने महीने के लिए लगाता है 6 महीने के लिए। बी लगाता है 4 रुपये, हमें पता नहीं कितने महीने के लिए लगाता है, हम एक बार इसको एम लिख देते हैं। और लास्ट में इनके प्रॉफिट का रेशियो है 3:4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 6 2 पे कट जाएगा, तो कितने महीने के लिए लगाता है 10 मंथ के लिए लगाता है, 10 महीने के लिए लगाता है। अब ये 10 महीने के लिए कितने महीने में से लगाता है, 12 महीने में से लगाता है, 12 मंथ में से, ये 10 महीने के लिए 12 महीने में से लगाता है, यानी कितने महीने बाद आया होगा, 2 महीने बाद आया होगा, आफ्टर 2 मंथ, ये 2 महीने बाद आया होगा, आफ्टर 2 मंथ। बनाइए, और कल भी आपकी क्लास रहेगी, कल संडे है, कल भी आपकी क्लास रहेगी। अब लगातार अगले 8 दिन आपकी क्लासेस चलने वाले हैं, देखिए इसमें कह रहा है ए बिगिंस बिजनेस विद रुपीज 45,000 एंड वॉज ज्वाइंट आफ्टर दैट बाय बी विद रुपीज 5,400। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1। ए जो है वो 45,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू करता है, तो 45,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू करता है और वो पूरे टाइम रहता है 12 महीने। बी जो है ये 54,000 रुपये के साथ बिजनेस शुरू करता है, इसका हमें पता नहीं है कितने महीने रहता है, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो 2:1 है, तो ये 0 से 0s कट जाएंगे, 9 6 54, 9 5 45, 6 से 2 पे कट गया, 2 से 2 ख़त्म हो गया, तो कितने महीने के लिए लगाता है, 5 मंथ के लिए लगाता है, कितने महीने में से, 12 मंथ में से, तो कितने महीने के लिए नहीं लगाता होगा, 7 मंथ के लिए नहीं लगाता होगा, इसका मतलब 7 महीने बाद आया होगा, 7 महीने बाद व्यवसाय में आया होगा। बनाइए, अगला क्वेश्चन ये करिए, इसमें कह रहा है ए एंड बी स्टार्ट एन एंटरप्राइजेस टुगेदर विद ए एज एक्टिव पार्टनर, ए इन्वेस्ट रुपीज 4,000 एंड 2,000 मोर आफ्टर 8 मंथ। तो जो ए है वो पहले लगाता है 4,000 रुपये, ये रहते हैं 8 महीने के लिए, एंड 2,000 मोर यानी टोटल हो गए 6,000 रुपये, ये होते हैं बाकी के 4 महीने के लिए।
ठीक है, बी इन्वेस्ट 5,000, बी जो है ये 5,000 रुपये लगाता है, ठीक है जी, एंड विड्रॉ 2,000 आफ्टर 9 मंथ, तो ये रहते हैं 9 महीने के लिए, और बाकी के 3,000 जो हैं ये रहते हैं 3 महीने के लिए। बीइंग द एक्टिव पार्टनर ए टेक्स 100 per month, ₹100 per month एज एन अलाउंस फ्रॉम द प्रॉफिट, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 6,700। ये हो जाएगा आपका 8×32,000 और 6×24,000, 0,00065, 56,000, और ये हो जाएगा 9×45,000 और 9,000, ये हो जाएगा आपका 54,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे 28:27, ठीक है, इस रेशो में बटेगा पैसा। अगर इसके अलावा कहता है कि ये जो है वो 100 रुपये प्रति महीना लेता है, तो 12×100 मतलब 1200 रुपये तो वो सैलरी के रूप में ले लेगा। अब 6,700 में से 1200 रुपये उसने सैलरी के रूप में ले लिए, कितने बचे 5,500, और 28 और 27 टोटल कितना 55, 55 की वैल्यू 5,500, एक यूनिट की वैल्यू 100, एक यूनिट की वैल्यू 100 है, तो बी का हिस्सा 27 की वैल्यू हो जाएगी 2700, 2700 रुपीज़, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2700 रुपये। बनाइए,
देखिए इसमें कह रहा है कि ए बी सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7. सी इज अ स्लीपिंग पार्टनर सो हिज शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल बी हाफ ऑफ व्हाट इट वुड हैव बीन इफ ही वर अ वर्किंग पार्टनर इफ दे मेक ₹36,000 प्रॉफिट विच इज इन विच ऑफ विच 25% इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस हाउ मच डज बी गेट. पहली बात तो देखिए इनके प्रॉफिट का हिस्सा 4:5:7 होना चाहिए था, लेकिन सी को आधा मिलेगा, हाफ, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा. तो 2 से गुणा कर दो, 8, 10 और 7, ये हो जाएगा 8, 10 और 7. उसके अलावा टोटल प्रॉफिट है 36,000, इसका 25% यानी 1/4 मतलब ₹9,000 वापस इन्वेस्ट कर दिया जाता है. 36,000 में से 9,000 हटाएंगे 27,000, यानी 27,000 जो है ये बटेगा उन तीनों के बीच में. अब कह रहा है बी को कितना मिलेगा, तो 8, 10, 18 और 7, 25. 25 की वैल्यू है 27,000, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1080. हाँ 1080, तो बी को कितना मिलेगा 10 यूनिट. 10 यूनिट की वैल्यू होगी 1080 के हिसाब से 10800, 10,800 रुपये. आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10,800 रुपये. बनाइए, ये आंसर है आपका. चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका आंसर बताइए मुझे. इसमें कह रहा है ए बी सी एक व्यवसाय में 3:6:5 के अनुपात में निवेश करते हैं. ए और सी व्यवसाय में सक्रिय साझेदार हैं, केवल बी एक निष्क्रिय साझेदार है. इसके लिए उसका कार्य करने पर मिलने वाले हिस्से का 3/4 हिस्सा उसको मिलेगा. अगर उनका कुल लाभ है 50,000 और इसका आधा भाग वापस निवेश कर देते हैं, बाकी आधे को बांट लेते हैं, तो सी का लाभ क्या होगा. करिए, आखिरी क्वेश्चन है. इसी के साथ आज की ये क्लास और ये चैप्टर दोनों खत्म हो जाएंगे. आखिरी क्वेश्चन है, करिए एक बार.
देखें, सबसे पहले तो 50,000 रुपये टोटल प्रॉफिट है और उसका आधा ही मिलेगा, बाकी निवेश हो जाएगा। यानी कितना बटेगा? 25,000 बटेगा पहली बात तो। अच्छा, प्रॉफिट का नहीं, कैपिटल का रेशियो कितना है? 3:6:5, 3:6:5। उसमें से बी एक निष्क्रिय है इसलिए उसको 3/4 हिस्सा मिलेगा। 3/4 दो पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा। दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6, 9, 10, 6, 9, 10 इस हिसाब से बटेगा। 6 और 9, 15 और 10, 25। टोटल कितना हो गया? 25। 25 की वैल्यू 25,000, 1 की वैल्यू आ जाएगी 1,000। तो सी का लाभ कितना होगा? सी का लाभ होगा 10 यूनिट, 1,000 के हिसाब से 10,000, 10,000। 10,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट होगा सी को। बनाइए। इसी के साथ ये आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी आपका इसी के साथ ख़त्म होता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बना लीजिए और अपने जो भी रिव्यूज़ हैं वो इस चैप्टर के बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? समझ में आया या नहीं आया, सब कुछ बताइएगा। इंटरेस्टिंग था, इजी था? एक आध क्वेश्चन कभी पेपर में आता है, हमेशा पेपर में क्वेश्चन नहीं आता इसमें से। बताइएगा, अपने रिव्यूज़ रखिएगा ज़रूर। और कल भी सुबह 10 बजे ही क्लास होगी, सुबह 10 बजे ही क्लास होगी, 3 घंटे की ही होगी, 10 बजे से 1 बजे तक, और शाम वाली 5 बजे से 8 बजे तक। आज भी शाम को 5 बजे से 8 बजे तक 3 घंटे की क्लास होगी। मंडे से सुबह वाली होगी 9 बजे और शाम वाली होगी 4 बजे। ठीक है? चलिए, ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज़रूर बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं शाम को 5 बजे।